Welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. This is general knowledge of class 8 and today I'm going to teach you lesson 14. Lesson 14 is regional handicraft. Aaj is lesson mein hum India ke regional handicraft ke bare mein baat karenge. Regional matlab क्षेत्रीय जैसे प्रदेश है अलग अलग तो वहाँ पर कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं इन सब के बारे में हम आज के इस लेसन में स्टडी करेंगे. लेट्स बिगिन द लेसन. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ऑन स्पेशल हैंडीक्राफ्ट. भारत में प्रत्येक प्रदेश प्रत्येक स्टेट का अपना एक स्पेशल हैंडीक्राफ्ट होता है. राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ विच दे बिलोंग यूजिंग हेल्प बॉक्स. अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं और डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट का दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन को पढ़कर और पिक्चर को देख करके हमें हेल्प बॉक्स का यूज़ करके उनके स्टेट का नाम लिखना है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं. जैसे नंबर वन दिया है हैंडीक्राफ्टेड लेदर स्लीपर्स पॉपुलरली नोन एज कोल्हापुरी चप्पल्स. हैंडीक्राफ्ट लेदर स्लीपर मतलब चमड़े की स्लीपर जिनको कोल्हापुरी चप्पल के नाम से जाना जाता है. तो ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र स्टेट के हैं. महाराष्ट्र स्टेट में इनको बनाया जाता है. नेक्स्ट वन स्मॉल टेबल्स कार चौक से विद ब्यूटिफुली कर्व्ड डिजाइन ऑन ऑल साइड. छोटी टेबल जिनको चौक से कहा जाता है इन पर बहुत ही सुंदर तरीके से कर्व डिज़ाइन बनाए जाते हैं. इनकी मतलब प्रत्येक साइड पर हर साइड में कर्व डिज़ाइन बनाए जाते हैं. तो ये कौन से स्टेट के हैं? ये सिक्किम के हैं. सर्कुलर डेकोरेटेड प्लेइंग कार्ड्स कार्ड गंजीफा. सर्कुलर गोल गोल सजे हुए खेलने के कार्ड प्लेइंग कार्ड्स जिनको गंजीफा कहा जाता है. ये है स्टेट ओडिशा की. नेक्स्ट वन बॉक्सेस एंड ज्वेलरी मेड अप ऑफ गन मेटल इनलेड विद सिल्वर कार्ड बिद्री वर्क. बॉक्सेस बॉक्स और ज्वेलरी गहने जो कि बने हुए होते हैं सिल्वर के गन मेटल से बने हुए होते हैं. सिल्वर के गन मेटल से बने हुए होते हैं जिनको बिद्री वर्क कहा जाता है. तो ये कहाँ पर बनते हैं? ये कर्नाटक का हैंडीक्राफ्ट है. नेक्स्ट वन द हॉर्स विद एन एलोंगेटेड नेक पॉपुलरली नोन एज द बंकुरा हॉर्स. हॉर्स जिनकी लंबी लंबी गर्दन होती है जिनको बंकुरा हॉर्स के नाम से जाना जाता है. तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये है वेस्ट बंगाल का हैंडीक्राफ्ट. नेक्स्ट वन शॉल्स विद ज्योमेट्रिक पैटर्न मेड इन कुल्लू. कुल्लू में बनाए जाने वाले शॉल जिन पर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है. ये देख पा रहे हो आप इस पर, ये इस तरीके का ज्योमेट्रिक पैटर्न दिया हुआ है. तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? दीज आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. नंबर सेवन फुलकारी वर्क अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन फैब्रिक. फूलकारी वर्क जो कि एक तरीके की कढ़ाई फैब्रिक पर एक तरीके की कढ़ाई की जाती है. ये है रिलेटेड कहाँ से? पंजाब से रिलेटेड है. एम्ब्रॉयडरी यूजिंग गोल्ड थ्रेड पॉपुलरली नोन एज जरदोजी. कढ़ाई जिसको गोल्डन थ्रेड मतलब सुनहरे धागे का यूज करके किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसको जरदोजी के नाम से जाना जाता है. ये कहाँ पर होती है? ये उत्तर प्रदेश में होती है. ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है. इंट्रिकेटली डिजाइन बास्केट मेड फ्रॉम बेम्बो. इंट्रिकेटली मतलब बहुत ही कठिन या फिर जटिल कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बास्केट का बनाया जाता है बैम्बो का यूज़ करके. जो बांस होते हैं उसका यूज़ करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाया जाता है. तो ये कहाँ की है? ये बास्केट दिखाई गई है इसमें पिक्चर में. तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये असम में बनाए जाते हैं.
तो ये था क्लास 8th का लेसन 14, जिसमें आज हमने रीजनल हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की, इंडिया की रीजनल हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।